ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਮਗਵਾਉਂਦਾ ਆਲੂ ਏ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਰਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸਰ ये यहीं से गली मोहल्लों से इकट्ठे करता है टूटे फूटे कंप्यूटर्स और शो करता है जी मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ रिफर्बिश्ड ए अंग्रेज भी जड़े स्क्रैप चो ही निकले ने जी ए तू जानते लो कौन ने हाँ जी कौन ए वेंडर ने बड़े बड़े अमेरिका दे अच्छा असल कंपनी ने दी इन कुल में माल लेना सारा ते ओ जड़ा पीछे बकवास करी जा रहे आपे हे मैन व्हाट्स योर प्रॉब्लम नो वरीज नो प्रॉब्लम गुदाम शुदाम कोई नहीं होंगे ये दो नंबर आदमी है और अगर ये मंगवा भी रहा है ना तो बेड़ा गर्क कर रहा है वो स्क्रैप यहाँ पर डंप कर रहा है जिसे पूरी दुनिया कोई कबूल करने को तैयार ये बताया कि आप वारंटी क्यों नहीं देते अपनी चीजों की कोई पता साबित कर दे मैं वारंटी नहीं देता सर दरअसल करते ये है कि चीजें बेच देते हैं उनमें से जो क्लेम आता है उससे फिर निगोशिएट करते हैं उस शख्स से उनसे पैसे तुड़वा लेते हैं और किसी को देते हैं किसी को नहीं भी देते और सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताएं आप कितना टैक्स देते हैं कौन है आप उसे टैक्स की नहीं देना है हुजूर इतनी इनकम होवे तो बंदा टैक्स देना है तो ये जो पीछे पूरा वेयर हाउस खोला हुआ है सर उधर भी कुछ नहीं वो भी एम ही है बस इतने लोगों की खिदमत कर रहे हैं ये कौन है ये जो चल फिर रहा है क्या मनहूस आदमी वो तो खड़ोदा करे कुछ चपेड़ा खानी है मेरे को ए पंजाबा नहीं आंदा पंजाबा नहीं आंदा बड़ा तेरा गरमाले वर्गा मुंह है यस यस ओके हां ये अंग्रेज ना किसी को जुगता ट्रांसलेट कर रहे हैं अच्छा वो अंग्रेज लगता दाढ़ कटाउन आया यार ये दोनों कौन है आई एम अमेरिकन मैन अमेरिकन और मैं जड़ा वाले सर ये जुल्म भी करते हैं कि चाइना की चीज पर यूएसए का टैग लगा के उसको भेज देते हैं ओ भाई तो कोई नवी ले ला सानू को मुसीबत च पाया नहीं वैसे वाकई शर्म की बात है कि यूएस का टैग लगाते हो चाइना की चीजों पर सर जी तो चाइना नु इतराज नहीं है यूएसए नु इतराज नहीं है चुगलखोर रिसर्चर नु के इतराज है अच्छा ये कहां का है अमेरिका का है कि चाइना का है बाबा जी कंप्यूटर की दुकान तो दम कराना है मेरे को सर इस जैसे लोग जो हैं उन्होंने बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ है कि आप स्क्रैप जलाएं प्लास्टिक जल जाएगा जिसमें से लोहा या उसमें से तांबा निकलेगा आपको उसके बस पैसे दिए जाएंगे और बच्चे ये अगर मैं तेरी गल एक मिनट भाई एक मिनट मैं तेरी गल दसा मैं तेरे लम्मिया बाले तो मैं कुटना ही मैं नहीं हूं तेनू रिसर्च रिसर्च मना करना तो मुझे क्या मारोगे मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया कैंपेन लॉन्च करूंगा आप जो बैठे हुए आप अंग्रेज हैं उन्हें तो मैं की जवाब दे तो सवाल है इतनी देर मैं अपने आप डक के बैठा रहा ना तो मैं जानता या मेरा अल्लाह जानता है पहलो अंग्रेज भी स्क्रैप निकला है जी तो बात सुनो इसने तुम्हें अंग्रेज बना के बिठाया हुआ तो होर तौन की लग रहा है चुड़ैला बैठी हैं ये करता क्या है इसे भाई जी इन्हें सानू दिहाड़ी ते रखे है मेनू ते इसको सिर ए किधर गया है हाय 250 रुपया देंदा सवेरे अंग्रेज बना के ते बिठा देंदा असि शाम तक अंग्रेज ही है अल्लाह की कसम साडा ढोलक वाला बाहर बैठा है वैसे तो असि मौत दे खूह ते नचदे हैं फोन बार बार कहां से आ रहा है सारे ढोले काला कर रहे हैं और मैंने डीसीओ का फोन आना चाहिए क्या करता है वो कहता बाहर आओ फंक्शन पे चलिए सर इसके खिलाफ मैं सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करूंगा इसके दो नंबर के खिलाफ यार ये गल दस ये चैनल तेन किन्ने के पैसे देता है जितने भी देते तुम्हें इससे क्या कर दे इतना डबल पैसे थे मेरे को आज भी बड़ी डिमांड है तू तो हथो हथी देख रहे हैं यार हाँ भी घुस रहा ओ घुस रही मैं तो मोटरसाइकिल चलाना उठे ये दो गाने के बाद फिर मेरा आइटम होता है उठे तुम्हारा आइटम जो है वो मोटरबाइक मोटरसाइकिल था हाँ जी कई बार तो खूह जो बाहर निकल गया जी अच्छा कभी गिरे भी हो वो सर डिगे तो घुस रहा हुआ है आफ्ताब साहब मुझे इनपे बहुत गुस्सा है मैं चाह रहा हूँ इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस के अंदर आप सबसे पहले तो इनके यहाँ कैमरा भेजिए एको भाई पिछू अन्य वाह हमले करी जा रहे हैं ओयो मेनू कतड़ियां दे जांदा है
ਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਰਾਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੇਸਟ ਕੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਤੇ ਹਨ ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਲੋਗੋ ਕੋ ਲੂਟ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਜੋ ਇਹ ਆਪ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸੇ ਮੰਗਵਾਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਵਾਮ ਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋ ਜੋ ਉਨਕੋ ਵੇਚਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪ ਐਸੇ ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ गेंडे क्यों जी दूसरी ऐसी को इंटरव्यू जी दूसरी जुगत जे मैं इधर हो जाऊं किधर मेनू मगरमच्छ ना कह देवे अच्छा सर कोई सादा लेजिस पानी सवाल करो जुगत बगैर मेरा तुमसे सीरियस सवाल है और सीरियस जवाब देना कि तुम जाली गारंटियां क्यों देते हो आवाम को किसी आप दोस्त के बच्चे तीसरी हुई जनाब अली लजी एंकर जुगत बेस पे भर्ती हुई मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिन मुलाजमों को आपने अपने पास काम पे रखा हुआ है उनको आप क्या सैलरीज देते हैं क्या डेली वेजेस पर उनको रखा हुआ है या क्या उनको मंथली पे करते हैं आप ते जुगत किथे गई ये जो आपने अपने साथ दो बहरूपिये रखे हुए मैं इन पर भी मुकदमा चलाऊंगी यकीन जानो बहरूपिया ओ है मैं तो हाँ ही हो गया मेरी तो अम्मी रुमानिया दी आई मैं तुमसे जानना चाहती हूँ अब तक तुमने कितना टैक्स पे किया है एटम बम के बच्चे जी मेरे हिसाब ना लो गेंडा ही ठीक सी अच्छा टैक्स दे ना दे बच्ची ने 200 दे बड़ी अच्छी जुगत की और कुछ सवाल मैं जुगत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ इस कारोबार का लाइसेंस है तुम्हारे पास कद्दू सिफत इंसान समझे हो सकता बच्ची ना आई हो जुगत सवाल तो खाली ना जाएगा मैं सुवी साहब ये बच्ची किसे पांड चैनल तो भेजी जे बहुत जुगत भाजी ए मैनू फड़ा दे तुसी मैनू कोई जुगत कर लो हैं